कलयुग केवल नाम है धारा सुमन सुमरण उतर नहीं पा रहा। यही भागवती में आर्य फलम नाचि तपसा नायुगी समाधिना तत् तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम्। कलयुग में केशव भगवान श्री कृष्ण का राधिका कीर्तन करने से संपूर्ण की प्राप्ति होती है। यही बात तुलसीदास जी कह रहे कलयुग केवल नाम धारा सुमन सुमरण रुत नहीं पा रहा। नाम का आधार लेकर के इस संसार सागर से भाव सागर से पार हो जाएंगे। इस संसार रूपी सागर है, इसमें उतरने के लिए जैसे गंगा जी को पार करते हैं तो नौका की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से भाव रूपी संसार जो है इसमें नाम रूपी नौका से पार होना होता है। हम और आप भगवान के नाम से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे। इसमें कोई ज्यादा विधान की जरूरत नहीं होती है। सोते जाते बैठते उठते खाते पीते जैसे भी रहे नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल से लेकर के सोने तक आपको भगवान के नाम से जुड़ना है। काम करते रहो, ये नहीं कि भगवान के नाम जपने में काम छोड़ दो, नहीं। काम कर तन से मन से सहज लो, मुख से जप नाम श्याम के रवीर को। काम करते रहिए, मुख से नाम का स्मरण करते रहिए, किसी को पता भी ना चले। अजपा जाप इसलिए कहा गया है, मुख का हमारे ओठ है ना, ओठ भी ना हिले, किसी को पता भी ना चले क्या भजन कर रहे हैं। आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सज हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रयत्न करने से सफलता की प्राप्ति होती है। सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा तो प्रतिदिन वर्णन करना ही होगा। आइए हम जिनकी पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं, भगवान प्यारे श्याम सुंदर की पावन कथा श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट है। वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की पावन कथा की रचना की और उसमें सुंदर पावन नाम भागवत पिछली बार भी आपने सुना था, परंतु जितनी बार आप सुने भागवत जी की कथा के लिए कहा है, महात्म्य वर्णन आया है, सदा से प्या सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं सदाश्चर्ये। सदा से प्या, एक बार के लिए नहीं बोला, सदा माने बार बार। यहां कथा सुनो, पिछली बार सुनी अब सुनो, और बीच में कथा सुनने को मिले तो सुनो। ये नहीं कि अभी हमने कथा सुनी है भैया अब क्या सुना, नहीं, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपका कल्याण होगा। सुनते रहो सुनते रहो, सुनते सुनते कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की बार बार कथा श्रवण करने से लाभ क्या मिलेगा आपको भी, गुरु जी बार बार सुनने से क्या लाभ मिलेगा? एक तो हमारा सहज स्वभाव, जैसे कोई गंदा वस्त्र है, ज्यादा उसमें गंदगी आ गई है तो उसको एक बार धोओगे तो साफ नहीं होगा, उसको अनेक बार धोना पड़ेगा तो साफ हो जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा। बट ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय में कलमश का है, अंदर गंदगी है, उसको दूर करने के लिए भगवान की प्यारी कथा श्रवण करा करे। जैसे शरम साबुन से वस्त्र को साफ किया जाता है, इसी प्रकार से कथा श्रवण करके हमारे हृदय मंडल को साफ किया जाता है, पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो बार बार श्रवण करने से यश्या स्मरण मात्रेण, यश्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तं सदाश्चर्ये। हरि मन परमात्मा की कृपा होती है और चित्त में माने हमारा जो चित्त है ना, मन इधर उधर भटका करता है, उसमें भगवान की उनका भगवान का वास हो जाएगा। हरिश्चित्तं सदाश्चर्ये, भगवान का प्रवेश हो जाएगा,
संसार सागर में भटक रहा है, उससे मुक्ति मिल जाएगी, उससे दूर हो जाएगी। इसलिए सज्जनों बार 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 स्मरण करना है। तो भागवत में चार वर्ण आए हैं, चार अक्षर हैं, भा ग व त। चारों वर्णों का कोई भी कथा सुनो, कोई भी ग्रंथ सुनो, उसकी महिमा को जानो पहले। कोई आपके घर आया, कोई आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, उसके महिमा के विषय में नहीं जानते, तो उसको क्या आप सम्मान कर पाएंगे। आया और बैठा और चला गया, परंतु पता है एक अमुक व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, भगवान के प्यारे भक्त हैं, अथवा संत हैं, तो आप तो मालूम है, तो उनका सम्मान करोगे, उनके प्रति आपका आदर होगा, आपका समर्पण होगा, और गुरु जी के प्रति समर्पण आदर, संत के प्रति गुरु समर्पण आदर होगा, तो आशीर्वाद के पात्र होंगे। इसी प्रकार से हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की महिमा को एक एक अक्षर को आप समझिए, भा ग व त, चार वर्ण है। तो बाबा तुलसीदास जी कवि कवियों ने सुंदर वाचन किया है, लिखा है, पहले तो श्लोकों में वर्णन किया, भा शब्दो कीर्ति वचनो गा शब्दो ज्ञान वाचिका से पूछो, भैया ये कोई गारंटी कार्ड तुम्हारे पास है?
अधर्मता का प्रभाव कम हो जाता है, भगवान का चिंतन होना शुरू हो जाता है। और बाके कहे के विष्णुदास को दास हो, वा शब्द बोलने से भगवान के दासों में दासों के प्रति दास हो जाता है। यदि राम जी को मिलना है तो हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, यदि राम जी से मिलना है हनुमान जी से नहीं मिलोगे तो राम जी को मिलना कठिन है। अरे और तो और आपको बड़े से बड़े काम कराने के लिए यदि आप बड़े ऑफिस में गए हैं, कलेक्ट्रेट में गए हैं, और यदि बाबू की कृपा हो जाए तो काम बन जाएगा। और बाबू ने कह दिया कि साहब नहीं अंदर बैठे हैं, लंच में गए तो भी आप बाहर बैठे रहोगे और साहब नहीं मिलेंगे। इसलिए भक्तों से भगवान से मिलना है तो हनुमान से मिलना होगा, दासत्व तो स्वीकार करना होगा, हमारे अंदर दास भाव आ जाए, भगवान के भक्त बन जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तो चारों वर्णों का प्रभाव, और कहा कि एक के कहे के एक जन्म को विनाश हो। यदि आपने एक शब्द कहा तो क्या होगा, एक जन्म का विनाश माने एक जन्म में जो हमारे द्वार अनाचार पापाचार दुराचार हो गया है वो सब दूर हो जाता है एक कहने से, एक के कहे से एक जन्म को विनाश हो। और बड़े के कहे ते अद्वैत भाव मिट जाता है। दो शब्द कहोगे अद्वैत माने टेढ़ा मेढ़ा जो है वो दूर हो जाता है। हम इसी में लगे हुए हमारे मेरे तेरे में ये सब दूर हो जाता है। और कृष्ण हूं की कृपा से शब्दाहे यदि सुनी जा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यदि आपने श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रद्धा से श्रवण की है तो क्या होगा, ब्रज को निवास वास सहज में मिल जाते हैं। ब्रज का वास आपको मिल जाएगा सहज में। भागवत जी की कथा श्रवण करने का कितना बड़ा फल है, जीवन पर्यंत हम चाहे कि हम ब्रज में वास करें तो जरूरी नहीं, परंतु भागवत जी की डिब्डिम घोष है यदि आपने श्रद्धा से विश्वास से भगवान की पावन कथा श्रवण की है तो ब्रज का वास हो जाएगा। ब्रजवास इतना सहज नहीं है, ब्रज के वास करने के लिए मैं आपको एक बात सुंदर बताऊं, भगवान श्री राघव सरकार वन यात्रा में जब चले, भगवान वन यात्रा में गए, भक्तों ने भगवान ने भगवान के सेवा करने के लिए सारे देवताओं ने वानर रूप धारण करने किया, किसी ने ऋक्ष रूप धारण किया और अनेक रूप धारण करके भगवान के कार्य सिद्धि के लिए आए ताकि हमको भगवान का कार्य करके भगवान के प्रिय बन जाए। और पूरी यात्रा में भगवान की उन वानर भक्तों ने सेवा की, परंतु कहीं कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया कि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट और भंडारे की व्यवस्था हुई हो। कंद मूल फल खाकर के भगवान श्री राघव सरकार की सेवा की, उनके मन में ये न्याय दिया ठाकुर जी की बरादरी की सेवा कर रहे हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, नहीं कंद मूल फल खाकर सेवा करते रहे। एक बार में जब इस प्रकार की बात नहीं आई तो जब विजय प्राप्त करके आ गए भगवान श्री राघव सरकार तो सारे भक्तों से बुला करके बड़े आदर के साथ बड़े प्रसन्नता के साथ और सबको आशीर्वाद दिया और बोले तुम्हारी सेवा से हमारा हृदय पूर्ण भर गया, पूर्ण प्रसन्न है और तुमने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की और कई भोजन की याचना नहीं, कल मूल भाग भागे भी सेवा की है, तुमको मैं तृप्त भी नहीं कर पाया ठीक से। जब भगवान की सेवा करते करते और हमारे कोई याचना नहीं होती है तो भगवान का हृदय स्वयं बोलता है, स्वयं पूछता है, स्वयं कृपा करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, भगवान हृदय के हर हृदय की बात जानते हैं। तो भगवान ने कहा हे भक्तों, हे देव, हे देवताओं, आप सबने मेरी बिना किसी प्रकार की याचना किए भोजन किए फल फूल पा करके मेरी सेवा की है, अब मेरा मन अभी तुमको तृप्त नहीं कर पाया, अब तुम सब चल करके अब ब्रज में वास करना, वहां द्वार माता जी
भर करके वहां तुम वास करना और वहां मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, वहां तुम ब्रज का वास करना और मैं तुमको माखन मिश्री खिला करके, दूध दही को खूब खिला करके, चोरी कर करके और सब माखन मिश्री खिला करके तुमको तृप्त करूंगा, जिससे तुम्हारी सेवा सफल हो जाए। सज्जनो वृंदावन का वास तब मिला, ब्रज का वास तब मिला जब राम जी के राम अवतार में पूरी सेवा की, अंत में जाकर सेवा का फल मिला। परंतु भागवत जी कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति से सात दिन कथा सुन लो, बहुत श्रद्धा बड़े भाव के साथ में तो आपको ब्रज का वास हो जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ग्रंथ में लिखा, कवियों ने भाव से लिखा, सप्ताह यदि भगवान की कृष्ण हूं की कृपा से, सप्ताह यदि, सप्ताह माने भागवत कथा, कृष्ण हूं की कृपा से सप्ताह यदि सुनी जात तो ब्रज को निवास वास सहज में मिल जाए, ब्रजवासी हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, भगवान के भाव, भगवान के भक्त बन गए, भगवान के सखा बन जाए, इससे ज्यादा जरूरत क्या है। सज्जनों हमारी भागवत जी की ऐसी महिमा है, भागवत की महिमा के लिए और सुंदर सुंदर जैसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की कथा, भागवत की पावन कथा यदि श्रद्धाभक्ति से श्रवण किया है आपने तो जीवन की आपकी व्यथा दूर हो जाएगी। हमारे भक्तों ने सुंदर भजन के रूप में गाया है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की व्यथा, ये है भागवत कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हरि भजन के नर तू है दुखारी।
भौतिकता और दैविकता, दैहिक शारीरिक दैविक मन देवताओं का और भौतिक मानी संसार का। ये तीन ताप इतने कठिन है, इन तापों से मुक्ति के लिए आपको भगवान का भजन करना होगा। भगवान की कथा सुनोगे तो ये तीनों तापों से दूर हो जाओगे। भगवान की कथा सुनी इसके कहते हैं भौतिकता।
को मांग रहा है, वो कह रहा है कि महाराज यदि आप लेना चाहे तो मेरी एक आंख फूट जाए, बाजू वाले की बताओ। ये भौतिकता मन में निशा, अरे आपको खुशी होगी कि मैंने भजन किया, मेरी तपस्या की, तो मेरी तपस्या करने से बाजू वाला प्रसन्न होता, कभी तो पता चलता भैया फलाने व्यक्ति ने तपस्या करी थी, भगवान ने कहा था बाजू वाले के हट में तो हम आपका इस खातर होगा था, परंतु ईर्षा भजन करने के बाद ईर्षा उत्पन्न हो गई कि मैं मांगूंगा और उसके हाथ अगर डबल हो जाएगा ये ठीक नहीं। अच्छा
सोचोगे तो अच्छा मिलेगा और गलत सोचोगे तो गलत भी मिलेगा। एक भक्त ने भगवान की भजन किया, कल्प वृक्ष नीचे बैठ गया, चलते चलते आया, उसको तो पता भी नहीं था कि कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष की सुंदर शीतल छाया में बैठा, बड़ी शांति मिली, बड़े अनुभव हुआ शांति का, बड़ा सुख का अनुभव उसने किया। जब सुख का अनुभव किया, बड़ी शांति मिली, उसने सोचा यार कितनी बढ़िया शीतल सरल छाया है, बड़ी शांति मिल रही है, इसमें तो बढ़िया सुंदर बढ़िया प्रसादी मिल जाती, भोजन मिल जाते, बड़ा आनंद आ जाता। मैंने तो सुंदर है और व्यवस्था चाहिए, बहुत सुंदर यहाँ, यदि बढ़िया सुंदर पार्क होता, बगीचा होता, शहर की व्यवस्था होती, उसमें थोड़ी देर शीतल छाया में विश्राम कर लेता। जैसे उसने ये सोचा तो वहां तुरंत जन्म निर्माण के पुण्यों का उदय होता है। हम और आपकी जन्म निर्माण
इसीलिए आपके भागवत का उदय हुआ। सुंदर भागवत कथा, इसकी महिमा वेदों में वर्णन किया और प्राणों में वर्णन किया। इस कथा को सुन करके देवताओं ने भी इसको अनुमोदन किया। सज्जनों, जब महाराज परीक्षित जी ने कथा श्रवण की और सर्वदर्श के द्वारा जिनकी मृत्यु होना चाहिए उनका मोक्ष नहीं होता, परंतु भागवत की कथा श्रवण करने से जब परीक्षित जी का मोक्ष हुआ तो देवता भी आनंदित हो गए। उन्होंने आकर के और महाराज से निवेदन किया है, सुंदर जी महाराज आप जो है महाराज परीक्षित को जो है कथा रूपी अमृत पिला दीजिए, और हम कहे अमृत रूपी अमृत पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा अपात्र जान करके उनको वहां से हटा दिया। अरे मूर्ख देवताओं, तुम स्वार्थी हो, अन्वय आदान प्रदान करना चाहते हो, कहां कांच और कहां मणि। श्रीमद भागवत को सुंदर मणि वर्णन किया और जो है अमृत को जो कांच का टुकड़ा बताया, बोले कांच के टुकड़े में दोनों अमृत को बदलना चाहते हो, ये तुम्हारा भाव ठीक नहीं है। इस प्रकार से उनको हटा दिया और इस बात को देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा। अरे ब्रह्मा जी देवताओं, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, देवताओं का मुखमंडल मलिन देखकर के ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ। बोले सुखदेव जी ने हमको कथा नहीं सुनाई और हमने अमृत के बदले में सुनना चाहते थे, उन्होंने भगा दिया। तब जाकर ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, तराजू में एक तरफ सारे सुखों को रख रखा और एक तरफ श्रीमद भागवत को रखा, परंतु सारे सुख जो थे लघु निज्ञानी ज्ञानी सारे सुख सारे हो श्रीमद भागवत के आगे छोटे पड़ गए, लघु पड़ गए। ऐसा आश्चर्य लेकर के सारे देवता चमत्कार में पड़ गए कि महाराज परीक्षित का जो है मोक्ष को देख करके चमत्कार हो गया, ये मान करके सारे देवता प्रभावित हुए। तो जब देवता श्रवण करने के लिए ये देव द्रोण कथा है, हमारा आपको भगवान की पावन कथा मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। परंतु स्वर्ग आदि ऋषियों ने सूर्य से निवेदन किया, सूर्य ने वर्णन किया कि बार ये कथा हमारे बीच में कैसे आई, कहां से श्रवण करने को मिला ये बताइए। तब कहा एक बार की बात, एक बार ही विशालायाम चत्वारा शिरोमलः सत्संगार्थं समायाता तद्रतुं तु नारदः। एक बार शरत संनंदन शरत कुमार चारों ऋषि कुमार और बद्रीनाथ विशालापुरी माने बद्रीनाथ में पधारे और वहां सत्संग के लिए। अब उसी बीच में नारद जी ने भी सुना कि एक बार देवता लोग भगवान से निवेदन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा हमारा यदि आप जन्म दो तो भारत भूमि में मृत्यु लोक में देना और मृत्यु लोक में भी भारत भूमि में देना। बोले क्यों? बोले भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, भारत भूमि में जो करते हैं उसके फल के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग तो सहज में होता है परंतु मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस बात से प्रसन्न हुए, ये बात नारद जी ने सुना कि देवता मांग रहे हैं मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक में भारत भूमि में वास मांगते हैं, इसका कारण क्या है। उन्हें सर्वोत्तम पृथ्वी का वर्णन किया, सर्वोत्तम मान करके और नारद जी महाराज एक बार भ्रमण करते हुए आए और नारद जी ने देखा अहम तु पृथ्वी आता अहम तु पृथ्वी आदो ज्ञाता सर्वोत्तम पुष्करम चो प्रयागम चो काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज ने जानकर की पृथ्वी में आए और बड़े तीव्रता से जा रहे थे। उन चारों ऋषियों ने देखा कि नारद जी आपको तो चिंतन करना चाहिए भगवान का, चिंता करने की ऋषियों को शब्दों को जरूरत नहीं, भगवान का तो चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंता दोनों एक काम करती है, चिंता और चिता, चिता भी मृत्यु वाले को जलाती है और चिंता जीते जीते को जलाती है, फिर अंतर रहता है, जलाती दोनों है, ये जीते को जला देती है वो मृत्यु वाले को जलाती है, चिता और चिंता। तो हमको चिता नहीं चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे। तो नारद जी से उन्होंने कहा अरे
पूछा, बोले देवी मैं तुमको जानता नहीं, पर्चे नहीं, तुम्हारा पर्चे तो बताओ तुम्हारा क्या है।
पाशी तुम कौन हो? आपके पास नहीं आ रही सेवा करने वाली कौन है? मुझको तुमने कैसा माना कि मैं तुम्हारी सारी बयानी को दूर कर दूंगा? तब नारी ने वो है अमला जो थी उसने कहा, महाराज अहम भक्ति त्रिख्या रहा, महाराज मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति त्रिख्या रहा तले हो मत हो, तले हो मत हो, ये मेरे दोनों बेटा है, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य है। और ये नारी बोले, ये नारियां जो है ये गंगा की नारियां सारी देव नारियां जो है मेरी सेवा के लिए आई है, मुझको जल फैला रही है, सेवा कर रही है। परंतु बालक दोनों जो है भक्त है वो माता जी जो जवान है। इस संसार में देखा जाता है माँ भक्त होती है बालक जवान होते हैं, परंतु वहां आश्चर्यजनक बात माता तो जवान है पर बेटा वृद्ध है। तो उन्होंने पूछा नारी जी कैसे होगा? बोले मैं सर्वत्र घूमते घूमते आई पर वृंदावन भूमि का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं भी वृद्ध हो चुकी थी, परंतु धन्ना वृंदावन भूमि नृत्य भक्ति नृत्य जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है जवान हो जाती है, वृंदावन भूमि का प्रभाव है, चिंता की बात नहीं है। आपके लिए ऐसी बात है इनकी वृद्धत्व तो भी दूर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है कलयुग में एक फल बना सकते सार आयो में शिवा दिया तब पर मतलब देश में कलयुग की लड़की कलयुग की शोषण कलयुग में भगवान का शोषण करने से सारी भक्ति की प्राप्त हो जाती है, प्रभाव प्राप्त हो जाता है। और भगवान के लिए सुंदर हो कलयुग का उद्धार के लिए उपाय के लिए भगवान का नाम शुरू किया और यहाँ कहने लगे नारद जी महाराज, और उसको घबराने की बात कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटा भी जवान हो जाएंगे, तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। और नारद जी ने कहा वृथा खेद सेवा ले अहो चिंता तुराम कथाम श्री कृष्णो चरणा भोजो स्मरण दुखम गवश्य सहि। हे देवी घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो सारे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने कहा वृत्ति नंद लाल राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए मैंने तेरा राधा की।
Yeah.